हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देख रहे हैं चार्ल्स डिकेंस की बहुत ही फेमस नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की। ये जो नॉवेल है वो 1861 में पब्लिश हुई थी और ये चार्ल्स डिकेंस की 13th नॉवेल है और ये एक बिल्डिंग्स रोमन है, यानी अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी है, यानी एक बचपन से लेकर बड़े होने तक कैरेक्टर को डेवलप किया गया है, कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। एंड ये डिकेंस की सेकेंड नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड के बाद, जिसे पूरी तरीके से फर्स्ट पर्सन में नरेट किया गया है, यानी जो इस नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है पिप, वही इसे नरेट करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लाइव स्टोरी है एक ऑर्फान की, एक अनाथ बच्चे की जिसका नाम था पिप। अब चलिए हम लोग मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर है वो पिप ही है। तो पिप और उसके फैमिली में कौन कौन होता है, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। पिप, जिसका नाम होता है फिलिप पिरिप, वो एक ऑर्फान था, यानी उसके पेरेंट्स नहीं थे, अनाथ था वो, और वही इस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है और नरेटर भी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जो गार्गरी। जो गार्जरी पिप का ब्रदर इन लॉ था, यानी वो उसकी बहन के हस्बैंड थे, पिप के बहन के हस्बैंड थे जो गार्गरी, द विलेज ब्लैकस्मिथ। और ये विलेज ब्लैकस्मिथ थे, यानी लोहार का काम करते थे और ये बहुत ही लविंग पर्सन थे। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस जो गार्गरी, और ये जो की वाइफ थी, यानी पिप की बहन, पिप्स हॉट टेम्पर्ड सिस्टर, और ये काफ़ी गर्म दिमाग की थी और हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करती थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर पम्बलचूक। मिस्टर पम्बलचूक जो के अंकल थे, जो गार्गरीज अंकल। तो ये तो थी पिप और उसकी फैमिली। अभी नेक्स्ट जो हम लोग कैरेक्टर्स देख रहे हैं वो है एक औरत, मिस हैवीशैम। तो मिस हैवीशैम एक वेल्दी एसेंट्रिक ओल्ड वूमन थी, जो एक मैनर में रहा करती थी, बंगलों में रहती थी, काफ़ी अमीर थी और अजीब किस्म की वो औरत थी, जो कि हमेशा एक पुरानी वेडिंग ड्रेस पहनती थी और उसके घर की सभी जो घड़ियाँ थी वो एक ही समय पर रुकी हुई थी। तो मिस हैवीशैम के घर का नाम था सैटिस हाउस। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है एस्टेला, मिस हैवीशैम्स एडॉप्टेड डॉटर होम पिप परस्यूज। तो एस्टेला जो है वो मिस हैवीशैम की अडॉप्टेड डॉटर थी, असली बेटी नहीं थी वो, और पिप जो है उसे पसंद करने लगता है और थ्रू आउट द नॉवेल पिप जो है वो एस्टेला को पाना चाहता है। थर्ड कैरेक्टर है मैथ्यू पॉकेट, जो कि मिस हैवीशैम के कज़िन थे, हु ट्यूटर्स यंग जेंटलमैन सच एज बेंटली ड्रमल पिप एंड हिज ओन सन हर्बर्ट। और मैथ्यू पॉकेट ट्यूटर का काम किया करते थे और यंग लोगों को वो पढ़ाते थे ताकि वो अच्छी तरीके से जेंटलमैन बन सकें लोग। तो वो पिप को भी उन्होंने पढ़ाया था, अपने खुद के बेटे हर्बर्ट को पढ़ाते थे और एक लड़के बेंटली ड्रमल को भी उन्होंने ही पढ़ाया था। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स हैं वो पिप के यूथ, यानी जब वो जवान हो गया तो वो किन किन से मिला, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो एबेल मैगविच। एबेल मैगविच एक क्रिमिनल था, एक कॉन्विक्ट था, और पिप ने उसकी मदद की थी जब पिप बच्चा था, और इसीलिए एबेल मैगविच जो है वो पिप का बेनिफैक्टर बन जाता है, यानी पिप को वो सीक्रेटली पैसे भिजवाया करता था कि ताकि पिप एक जेंटलमैन बन सके और अपनी गरीबी से बाहर आ सके। नेक्स्ट है बिडी, अ सिंपल काइंड गर्ल हु बिफ्रेंड्स पिप एंड लेटर मैरीज जो। तो बिडी जो है एक सिंपल सी लड़की थी और पिप से उसकी दोस्ती हो जाती है, वो लोग साथ में पढ़ाई किया करते थे और बाद में बिडी जो है वो पिप के ब्रदर इन लॉ जो से शादी करती है जब जो की वाइफ मिसेस जो मर जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर जैगर्स, जो कि एक काफ़ी मशहूर लंदन के लॉयर थे और जॉन वेमिक मिस्टर जैगर्स के क्लर्क थे। इसके अलावा इस नॉवेल में बहुत सारे एंटागोनिस्ट हैं, यानी बहुत सारे दुश्मन हैं, बुरे लोग हैं, जैसे कि कॉम्पेसन जो एक क्रिमिनल था, कॉन्विक्ट था, और वो एबेल मैगविच का दुश्मन था, हालांकि वो एबेल मैगविच के साथ पहले काम किया करता था। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है डॉल्ज ऑर्लिक, जर्नीमैन ब्लैकस्मिथ एट जो गार्गरीज फोर्ज।
तो डॉल्ज ऑर्लिक भी एक लोहार का काम किया करता था, वो एक ब्लैक स्मिथ था, और बेसिकली वो पिप के ब्रदर इन लॉ जो के ही फॉर्ज में, यानी जहाँ पर वो लोग लोहे का काम किया करते थे वहाँ पर ऑर्लिक काम करता था जो के अंडर, लेकिन वो बहुत ही बुरा इंसान था और वो हमेशा पिप से लड़ाई किया करता था। सो ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रूड एंड चर्लिश, तो वो एक काफ़ी बुरा इंसान था। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है बेंटली ड्रमल। तो बेंटली ड्रमल एक व्यक्ति होता है जो पिप के साथ ही पढ़ाई किया करता है, मैथ्यू पॉकेट जो ट्यूटर थे उनके अंडर, लेकिन वो पिप का राइवल बन जाता है और एस्टेला से शादी कर लेता है, लेकिन वो एस्टेला को इल्ट्रीट किया करता है और बाद में वो मर जाता है। तो वो काफ़ी नोबल फैमिली को बिलोंग करता है, काफ़ी अमीर होता है और इसलिए एस्टेला उससे शादी कर लेती है। अब चले हम लोग समरी को देखते हैं। पिप अ यंग ऑर्फन लिव्स विद हिज सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ इन केंट। तो पिप जो कि एक ऑर्फन है, यानी उसके पेरेंट्स नहीं है, वो अपनी बहन और बहन के हस्बैंड के साथ केंट में रहा करता था। वन डे ही सिट्स इन अ सेमेट्री लुकिंग एट हिज पेरेंट्स टूम स्टोन्स। तो एक दिन वो उसके पेरेंट्स को जहाँ गाड़ा गया था वहाँ पर वो बैठा हुआ था उनके टूमस्टोन्स के पास, और तभी अचानक से वहाँ पर एक कॉन्विक्ट, जेल से भागा हुआ क्रिमिनल, उसे पकड़ लेता है और उसे फोर्स करता है और कहता है कि मेरे लिए खाना लाओ और मेरे लिए एक आरी लेकर आओ, फाइल लेकर आओ, ताकि मैं अपनी जो जंजीरें हैं पैरों में, जो बेड़ियां हैं, उनको काट सकूं। पिप उसकी बात मानता है, लेकिन बाद में उस क्रिमिनल को पुलिस फिर से पकड़ लेती है। वन डे पिप इज़ टेकन बाई इज अंकल पम्बल चूक टू प्ले एट सैटिस हाउस। एक दिन पिप को उसके अंकल पम्बल चूक सैटिस हाउस लेकर जाते हैं। सैटिस हाउस एक बहुत ही बड़ा बंगला होता है जहाँ पे अजीब औरत मिस हैवीशैम रहा करती है, जो एक बहुत ही फेडेड वेडिंग ड्रेस पहना करती थी और हमेशा वो अपने घर की सारी घड़ियों को एक ही समय पे रुका हुआ रखती है। देयर पिप मीट्स अ यंग गर्ल। तो उस अजीब से घर में पिप को एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है एस्टेला, और पिप उसे पसंद करने लगता है, लेकिन एस्टेला का व्यवहार अच्छा नहीं था पिप के प्रति, वो उसे एकदम कोल्डली ट्रीट करती है। पिप ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ वेल्दी जेंटलमैन टू बिकम वर्दी ऑफ हर, बट हिज होप्स आर डैश्ड व्हेन मिस हैवीशैम डिसाइड्स टू हेल्प हिम बिकम अ कॉमन लेबरर इन हिज फैमिलीज बिजनेस। तो पिप जो है वो एक बहुत ही मशहूर और वेल्दी आदमी, अमीर आदमी बन जाना चाहता है ताकि वो एस्टेला को पा सके, लेकिन उसके होप्स चकनाचूर हो जाते हैं जब मिस हैवीशैम उसे अपनी ही फैमिली बिजनेस में डालने की कोशिश करती है और उसे एक असिस्टेंट बना दिया जाता है पिप को अपने ही ब्रदर इन लॉ के अंडर, जो के अंडर, जो कि विलेज ब्लैक स्मिथ थे, यानी लोहार का काम किया करते थे। पिप वर्क्स इन द फॉर्ज अनहैपीली। तो पिप जो है वो जो के अंडर काम तो करने लगता है लोहार का, लेकिन वो बहुत ही दुखी था क्योंकि ऑब्वियसली उसे लोहार का काम नहीं करना था, उसे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी करना था और एस्टेला से शादी करनी थी। ये उसके एक्सपेक्टेशंस थे, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस थे, इसीलिए नॉवल का नाम भी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है। और वो इसलिए भी खुश नहीं था क्योंकि वहाँ पर एक दूसरा ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम था ऑर्लिक, जो कि बेसिकली जो का असिस्टेंट था, और वो पिप के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करता था, उसे ट्रबल किया करता था। वन नाइट आफ्टर एन आल्टरकेशन विथ ऑर्लिक पिप सिस्टर मिसेस जो इज़ अटैक्ड एंड बिकम्स अ म्यूट इनवैलिड। तो एक रात पिप जो है उसकी लड़ाई हो जाती है ऑर्लिक के साथ, और उसके बाद पिप की बहन मिसेस जो पर कोई अटैक करता है और वो जो है म्यूट हो जाती है, यानी वो बोल नहीं सकती है, लेकिन उसके इशारों से पिप को पता चल जाता है कि ऑर्लिक ने ही उसकी बहन पर अटैक किया था। वन डे अ लॉयर मिस्टर जैगर्स अपीयर्स विद अ स्ट्रेंज न्यूज़। एक दिन उनके घर एक लॉयर आता है जो कहता है कि मेरा नाम मिस्टर जैगर्स है और वो एक अजीब सी खबर लाया था। वो बताता है कि एक सीक्रेट बेनिफैक्टर है पिप तुम्हारा, यानी एक शख्स है जो तुम्हें खूब सारा पैसा देना चाहता है, लार्ज फॉर्च्यून देना चाहता है, ताकि तुम लंदन में अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट कर सको और एक जेंटलमैन बन जाओ।
तो पिप को तुरंत लंदन जाना पड़ेगा इस काम के लिए, और एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करके वो जेंटलमैन फिर बन जाएगा। पिप अज्यूम्स दैट द सीक्रेट बेनिफैक्टर इज़ मिस हैविशैम। तो पिप को लगता है कि वो जो सीक्रेट बेनिफैक्टर है, जो उसके मदद कर रहा है, पैसे दे रहा है, वो एक्चुअली मिस हैविशैम है। इसीलिए ताकि मिस हैविशैम इसीलिए उसे पैसे देना चाहती है ताकि वो एस्टेला से शादी कर ले। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सीक्रेट बेनिफैक्टर मिस हैविशैम नहीं होती। वो आगे पता चलेगा आपको कौन होता है। इन लंदन पिप बिफ्रेंड्स हर्बर्ट पॉकेट, अ यंग जेंटलमैन एंड जैगर्स लॉ क्लर्क वेमिक। तो पिप लंदन चला जाता है और वहाँ पर उसकी दोस्ती होती है हर्बर्ट पॉकेट के साथ, जो कि एक जवान आदमी होता है, और उसकी दोस्ती जैगर्स के लॉ क्लर्क यानी जैगर्स का जो असिस्टेंट होता है वेमिक, उसके साथ भी हो जाती है। तो इस तरह से जब वो अमीर लोगों से मिलता है, नई फ्रेंडशिप करता है, तो वो अपने पुराने लोगों को भूल जाता है। इनफैक्ट पुराने लोगों से वो नफरत करने लगता है, स्पेशली जो से। और फिर वो अपनी पढ़ाई वहाँ का और आगे पढ़ता है, वो लंदन में मैथ्यू पॉकेट जो कि एक ट्यूटर थे उनके अंडर वो पढ़ता है। मैथ्यू पॉकेट हर्बर्ट के फादर थे। सेवरल ईयर्स गो बाय अंटिल वन नाइट द कॉन्विक्ट मैगविच बार्जेज इन टू पिप्स रूम। उसके बाद बहुत सारे साल बीत जाते हैं और पिप धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। एक रात पिप के कमरे में एक आदमी ज़बरदस्ती घुस आता है और वो बताता है कि मेरा नाम एबल मैगविच है और मैं ही तुम्हारा सीक्रेट बेनिफैक्टर हूँ। तो ये जो मैगविच था, ये वही इंसान था, वही क्रिमिनल जिसकी बचपन में पिप ने मदद की थी, और इसीलिए वो पिप की काइंडनेस से इतना प्रभावित हुआ था कि वो डिसाइड करता है कि वो पिप की मदद करेगा और उसे उसकी गरीबी से बाहर निकालेगा। सो मूव्ड बाय पिप्स बॉयहुड काइंडनेस दैट ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू मेकिंग पिप अ जेंटलमैन। तो वो डिसाइड करता है कि ये इतना अच्छा है तो क्यों ना इसकी मदद की जाए। तो इसीलिए वो पिप को जेंटलमैन बनाना चाहता था और पैसे दे देकर उसकी मदद कर रहा था। तो जब पिप को वो ये सब बताता है कि वो है सीक्रेट बेनिफैक्टर, तो पिप एकदम शॉक हो जाता है और उसे अच्छा नहीं लगता है कि वो एक क्रिमिनल के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि उसे मैगविच की मदद करनी चाहिए क्योंकि मैगविच ने उसकी इतनी मदद की है। तो वो मैगविच को एस्केप करने में उसकी हेल्प करना चाहता है, इसलिए क्योंकि मैगविच के पीछे पुलिस पड़ी थी और उसका एक दुश्मन, मैगविच का एक दुश्मन होता है कॉम्पेसन, वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। कॉम्पेसन मैगविच का पहले तो पार्टनर था लेकिन अब वो उसका दुश्मन बन गया था, और इसीलिए पिप मैगविच की मदद करना चाहता था ताकि वो लंदन से भाग सके। पिप रियलाइजेज दैट कॉम्पेसन वॉज द मैन हु अबैंडन्ड मिस हैविशैम एट द अल्तार। उसके बाद फिर पिप को और भी सीक्रेट खबर मिल जाती है। उसे पता चल जाता है कि कॉम्पिसन ही वही आदमी है जिसने मिस हैविशैम को शादी के दौरान छोड़ दिया था अल्तार पे, यानी चर्च में जहाँ पे शादी होती है वहाँ पर। कॉम्पिसन की शादी होने वाली थी हैविशैम से, लेकिन मिस हैविशैम को कॉम्पिसन छोड़कर चला गया था वो। और इसी वजह से मिस हैविशैम को बहुत ज़्यादा धक्का लगा था, और तब से वो उस वेडिंग ड्रेस में ही रहती है, और क्लॉक्स को भी उसी टाइम पे उसने सेट करके रखा है, बंद करके रखा है जब उसकी शादी होने वाली थी। और इनफैक्ट वो इतना ज़्यादा आदमियों से चिढ़ती है कि उसने एस्टेला का इस्तेमाल किया है मिस हैविशैम ने लड़कों को फंसाने के लिए और लड़कों का दिल तोड़ने के लिए। सो मिस हैविशैम हैज़ रेस्ड एस्टेला टू ब्रेक मैंस हार्ट एज रिवेंज फॉर द पेन कॉज टू हर। तो मिस हैविशैम को जो दुख हुआ था उसका बदला लेने के लिए वो एस्टेला का इस्तेमाल कर रही थी। और पिप को ये भी पता चल जाता है कि एस्टेला मैगविच की बेटी है, मैगविच जो क्रिमिनल था उसकी बेटी है एस्टेला। बिफोर मैगविच एस्केप एस्टेला मैरीज एन अपर क्लास लाउट नेम्ड बेंटली ड्रमल। तो इसके पहले कि मैगविच भाग पाता, एस्टेला जो है वो एक अपर क्लास लड़के से शादी कर लेती है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, उसका नाम होता है बेंटली ड्रमल। पिप मेक्स अ विजिट टू सैटिस हाउस वेयर मिस हैविशैम बेग्स हिज फॉरगिवनेस। फिर पिप जो है वो सैटिस हाउस जाता है जहाँ पे मिस हैविशैम उससे माफ़ी मांगती है, और उसके बाद फिर उसके जो कपड़े हैं उनमें आग लग जाती है और वो अपाहिज हो जाती है। उसके बाद फिर वो टाइम वापस आता है जब पिप को मैगविच को लंदन से एस्केप करने में मदद करनी थी, लेकिन पिप के ऊपर ऑर्लिक हमला करता है
और किसी तरीके से हर्बर्ट और उसके साथी पिप को हमले से बचाते हैं। पिप एंड हर्बर्ट ट्राई टू स्नीक मैगविश डाउन द रिवर ऑन अ रोबोट बट दे आर डिस्कवर्ड बाय द पुलिस। तो पिप और हर्बर्ट मैगविच को हेल्प कर रहे होते हैं ताकि मैगविच भाग सके, और नदी से वो लोग जा रहे होते हैं एक बोट में, लेकिन तभी पुलिस उन्हें देख लेती है क्योंकि कॉम्पेसन जो कि मैगविच का दुश्मन था उसने पुलिस को पहले ही बताया था कि मैगविच जो है भागने की कोशिश कर रहा है। तभी मैगविच और कॉम्पेसन उस नदी के पास लड़ाई करने लगते हैं जिसमें कॉम्पेसन जो है वो नदी में डूबकर मर जाता है और मैगविच जो है उसे सज़ा हो जाती है, मौत की सज़ा हो जाती है, तो वो मर जाता है, मौत की सज़ा हो जाती है उसे। पिप फॉल्स इल, ये सब की वजह से पिप जो है बीमार पड़ जाता है और जो उसकी देखरेख करने के लिए लंदन आता है और फिर से पिप और जो रिकनसाइल हो जाते हैं, पहले के जो उनके गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाते हैं। जो गिव्स हिम द न्यूज़ दैट ओर्ली कू ट्राई टू रॉब अंकल पम्बलचूक इज़ इन जेल। फिर जो जो है वो पिप को बताता है कि जो ओर्लिक है उसने अंकल पम्बलचूक को रॉब करने की यानी चोरी करने की कोशिश की थी और इसी वजह से ओर्लिक को जेल में डाल दिया गया है और मिस हैविशैम जो है वो मर चुकी है और बीडी ने यानी वो जो सिंपल सी लड़की थी उसने जो को पढ़ना लिखना सिखाया है। ये सब खबर सुनने के बाद पिप जो है वो अपने घर जाता है और उसके दिमाग में होता है कि वो बीडी से शादी कर लेगा, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि बीडी ने जो से ऑलरेडी शादी कर ली है। पिप डिसाइड्स टू गो अब्रॉड विथ हर्बर्ट टू वर्क इन द मर्केंटाइल ट्रेड। तो अब जब कुछ बचा नहीं था पिप के लिए अपने घर में, तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त हर्बर्ट के साथ अब्रॉड जाएगा और कुछ काम धंधा करेगा। रिटर्निंग मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों के बाद जब वो वापस आता है तो उसे फिर से एस्टेला मिलती है सेटिस हाउस के गार्डन में, और ड्रमल जो कि उसका हस्बैंड था उसे बहुत इल ट्रीट किया करता था वो मर चुका था। एस्टेलाज कोल्डनेस हैज़ बीन रिप्लेस बाय सैड काइंडनेस। तो एस्टेला जो कि बहुत ही कोल्ड रहा करती थी पिप के प्रति, उससे अच्छे से बिहेव नहीं करती थी, वो अचानक से काफ़ी सैड और काफ़ी काइंड हो गई थी। और अब क्योंकि एस्टेला का भी हस्बैंड मर चुका था और पिप भी अकेला था तो दोनों फिर से पास आ जाते हैं। पिप एंड एस्टेला लीव द गार्डन हैंड इन हैंड, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो वहाँ से जाते हैं। पिप बिलीविंग दैट दे विल नेवर पार्ट अगेन, और पिप को ऐसा लगता है कि अब शायद उसे एस्टेला से फिर से बिछड़ना नहीं पड़ेगा। तो उसकी ये जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन थी वो फाइनली फुलफिल हो जाती है और एस्टेला उसे मिल जाती है, और यहीं पे हमारी नॉवेल एंड हो जाती है। आई होप आपको ये नॉवेल समझ में आई होगी, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।